शासनेस प्रभु महावीर को वंदन, उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले गुरु भगवंतों को कोटि से नमन। मेरे श्रद्धा के केंद्र आचार्य भगवंत को कोटि से वंदन। आचार्य भगवंत श्री हीराचंद जी महाराज साहब को कोटि से वंदन करने के पश्चात उपाध्याय भगवंत के गुण स्मरण, साधु प्रमुखा मा सती श्री तेज कुंवर जी महाराज साहब को वंदन करने के पश्चात बंधुओं बहनों सादर जय जिनेन्द्र। गत कई दिनों से 10 दिनों से कर्म प्रकृति के माध्यम से कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास आपका और हम लोगों का चल रहा है। विभिन्न माध्यम से कर्म के स्वरूप को समझा कि किस प्रकार से कर्म जड़ के रूप में हमारे ऊपर हावी रहता है, किस प्रकार से कर्म को हराने का कार्य हमको करना है। गत 10 दिवसों में कर्म के स्वरूप को समझने के साथ साथ हमने एक शिक्षा भी प्राप्त करी कि किस प्रकार इस कर्म को समूह को हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि केवल स्वरूप को जानने से ही कुछ नहीं होगा, कर्म को जानने के बाद में उस कर्म को तोड़ने का प्रयास भी हमको करना होगा, जब जाकर के हम हमारी आत्मा को विकास की ओर लेकर के जाएंगे और हमारा जो मेन लक्ष्य है कर्मों को तोड़ना, उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कर्म के स्वरूप को समझते हुए फर्स्ट दिन हमने समझा कि कर्मों को काटने के लिए सोई हुई आत्मा को जगाना है। प्रथम दिन हमने शिक्षा प्राप्त करी कि जो हमारी आत्मा सोई हुई है उस आत्मा को जगाना है, क्योंकि ये कर्म जो है वो सोई हुई आत्मा पर राज करते हैं और अपने आप को राजा मान करके बैठे हैं। कब तक राजा मान करके बैठे हैं? जब तक कि हमारी आत्मा सोई हुई है। प्रथम दिवस पर हमने हमारी आत्मा को जागृत करने की प्रेरणा प्राप्त करी थी कि हम हमारी आत्मा को जागृत करें। एक एग्जांपल दिया था कि जैसे शेर सोया हुआ है और शेर के ऊपर चूहा आकर के राज करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही शेर की आंख खुलती है चूहा दूर दूर चला जाता है। बस वैसे ही हमारे कर्म भी चले जाएंगे अगर हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। तो प्रथम दिन हमने कर्मों को काटने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करी थी वो शिक्षा थी सोई हुई आत्मा को जगाना है। जब हमारी सोई हुई आत्मा जाग जाएगी तो हमारे कर्मों के बंधन जो हैं वो धनाधन धनाधन टूटने लग जाएंगे। दूसरे दिवस पर कर्म सिद्धांत का विवेचन करते हुए, कर्म को स्वरूप को बताते हुए, कर्मों को तोड़ने का मार्ग बताने के लिए हमने बताया था कि हमारे जीवन रूपी अकाउंट में पुण्य का बैलेंस हमको बढ़ाना है, क्योंकि पुण्य का बैलेंस बढ़ेगा तो हम कर्मों को तोड़ने का महापुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए दूसरे दिन हमको शिक्षा प्राप्त हुई थी कि हमको क्या करना है, पुण्य का बैलेंस बढ़ाना है, हमारे जीवन में पुण्य का बैलेंस बढ़ाना है। ये दूसरे दिन की शिक्षा हमने प्राप्त करी थी कर्म के स्वरूप को समझते हुए। तीसरे दिन हमने कर्मों के स्वरूप को समझते हुए शिक्षा प्राप्त करी थी कि हमको कर्मों के उदय में उसको सहयोग नहीं करना है, असहयोग आंदोलन चलाना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना है और कर्मों आत्म प्रदेशों को छोड़ो ये आंदोलन चलाना है। तो तीसरे दिन हमको कर्मों को काटने के लिए जो कर्मों का उदय आ रहा है उस कर्मों के उदय को सहयोग नहीं करने का हमने निश्चय किया था, ताकि हम कर्मों को काट सके। कर्मों के उदय में सहयोग नहीं करना है, यानी कि जब कर्म का उदय आए तो हम उसको सहयोग नहीं करें, केवल समता भाव से असहयोग आंदोलन चलावें कि वो कर्म जो उदय में आए हमारे को प्रभावित नहीं कर पाए और हम उसको किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करें, उसको उत्तेजित नहीं करें। इस प्रकार से तीसरे दिन हमने कर्म के स्वरूप को समझ करके ये शिक्षा प्राप्त करी थी। चौथे दिन हमने भगवान महावीर का एग्जाम्पल लेके और एक सास बहु का एग्जाम्पल लेकर के और निमित्त को दोष नहीं दे करके उपादान को दोष देने की बात कही थी कि हमको किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देना है, हमारी आत्मा जो उपादान है उसको दोष देना है कि मेरी आत्मा ने ये कर्म किए हैं और मेरी आत्मा को ही भोगना है। भगवान महावीर के कानों में खिले ठोके गए तो भगवान महावीर के कर्म खराब थे न कि ग्वाला खराब था। उसी प्रकार से कभी भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए, कोई निमित्त बनकर के हमारे को कोई परेशान करे तो उस समय उसको दोष नहीं देना है, हमको उपादान को दोष देना है, हमारी आत्मा को दोष देना है। तो उस समय चौथे दिन की शिक्षा अपने को प्राप्त हुई थी कि निमित्त को दोष नहीं दे करके उपादान को दोष देना है।
जब कर्मों के समूह को तोड़ना होगा तो इन शिक्षाओं को अपनाना होगा। जब हमारी आत्मा पे लगे हुए कर्म जब ही टूट सकते हैं जब इन छोटी छोटी बातों को प्रयास करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, हमारी आत्मा को जागृत करें, हमारे पुण्य के बैलेंस को बढ़ावें और असहयोग आंदोलन चलावें कर्मों के प्रति और उपादान को दोष देवें। पांचवें दिन हमने शिक्षा प्राप्त करी थी कि हम हमारे मनमाने सिद्धांत नहीं बनावें, जो भगवान महावीर के सिद्धांत है उनका पालन करने का प्रयास करें। तो अगर हमसे चोरी नहीं छूट रही है तो हम ये मानने लग जाते हैं कि नहीं भाई, क्यों चोरी में भी कोई पाप होता है क्या, क्या रात्रि भोजन भी कोई पाप होता है क्या, मैं रात्रि भोजन को पाप नहीं मानता, इस प्रकार की गलत धारणा लेकर के चलते हैं। इसलिए अपने मनमाने सिद्धांत नहीं बनावें, भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करें। ये हमारे पांचवें दिन की शिक्षा हमको प्राप्त हुई थी कि हम क्या करें, हम भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुसरण करें। पांचवें दिन भगवान महावीर के सिद्धांतों का अनुसरण करें, न कि स्वयं मनमानी सिद्धांत बनावें। अपन स्वयं कोई सिद्धांत नहीं बनावें, जो हमको अनुकूल लगे वो तो हम सिद्धांत बना लें और जो प्रतिकूल लगे उसको हम टाल देवें, ऐसा नहीं होता। जो भगवान महावीर ने सिद्धांत बनाए हैं, भगवान महावीर ने जिसको पाप कहा है वो पाप ही रहेगा, भगवान महावीर ने जिसको पुण्य कहा है वो पुण्य ही रहेगा। इस प्रकार से पाप पुण्य में हम अपने अनुसार अपने सुविधा के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं करें। जो भगवान महावीर के सिद्धांत है उनका हम पालन करेंगे तो कर्मों के समूह टूटने में देरी नहीं लगेगी। हम मनमाने सिद्धांत बना लेंगे तो मनमाने सिद्धांत तो वो पाप को भी पुण्य का लेप पहना करके और चादर उड़ा करके हम किसी भी प्रकार से अपने आप को राजी कर सकते हैं। छठे दिन हमने प्रेरणा प्राप्त करी थी कि हमको पाप भीरु बनना है। पाप भीरु कर्मों को काटने के लिए पाप भीरु बनना होता है, क्योंकि हम सांप से तो डरते हैं पर पाप से नहीं डरते हैं। लेकिन जब कर्मों को काटने का लक्ष्य साथ में लेकर के चलते हैं तो हमको पाप भीरु बनना पड़ता है। सांप से डरे या नहीं डरे, वो तो डसेगा तो उसका इलाज भी हो जाएगा, लेकिन ये पाप जिस जो है ये हमारी आत्मा को भटकाने वाले हैं, कर्मों का महाबंधन कराने वाले हैं। इसलिए हमारे लिए छठे दिन शिक्षा प्राप्त हमने की थी कि हम पाप भीरु बने। पाप भीरु अर्थात हम पापों से डरने वाले बने। सातवें दिन हमने शिक्षा प्राप्त करी थी कर्मों को काटने के लिए, कर्म के स्वरूप को समझते हुए कि हमको बाहर नहीं भटकना है, हमको भीतर में आना है, बाहर नहीं भटक करके और हमको भीतर में आना है। जो भीतर में आता है वो तर जाता है, जो भीतर नहीं आता वो तर नहीं पाता है। हमको भीतर में आना है। बाहर की कितनी ही जानकारी प्राप्त कर लो, लेकिन अगर आत्मा और परमात्मा, आत्मा को परमात्मा बनाने की कला हमने नहीं सीखी, जीवन जीने की कला नहीं सीखी, कर्मों को काटने की कला नहीं सीखी, तो कोई भी बाहर की जानकारी को विशेष लाभ कराने वाली नहीं है। इसलिए हमको बाहर नहीं भटक कर के हमको भीतर में आना है। ऐसा सातवें दिन हमको कर्म के स्वरूप को समझ करके कर्मों को काटने की हमको जो है एक शिक्षा प्राप्त हुई थी। आठवें दिन हमने शिक्षा प्राप्त करी थी विचार निर्णय और क्रियान्विति। कर्मों को काटने के लिए शुभ विचार करें, गंभीरता पूर्वक निर्णय करें और विधि पूर्वक क्रियान्विति करें। किसी भी कार्य है उसके कर्म कार्य को करते हैं, उसके लिए कर्मों को काटने का अगर हमको महाकार्य करना है, कर्मों के बंधनों को तोड़ना है, हमको मोक्ष सीढ़ी पर चढ़ना है, तो विचार शुभ विचार करके उस शुभ विचार को गंभीरता से उस पर निर्णय करके और विधि पूर्वक उसकी क्रियान्विति हमको करना है। ये जो शिक्षा हमको आठवें दिवस प्राप्त हुई थी। नवे दिवस हमने कर्म के स्वरूप को समझ करके और कर्मों को काटने के लिए जो शिक्षा प्राप्त करी थी, वो नवे दिवस जो शिक्षा थी वो थी हम सहयोग करें। हमसे अगर कर्म काटने की साधना नहीं हो रही है तो हम कर्म काटने में जो लगे हुए हैं उनको सहयोग प्रदान करें। जो कि साधु संत हैं, श्रावक श्राविका हैं, जो विशेष साधना कर रहे हैं, जो साधना में आगे बढ़ रहे हैं, कर्मों को काटने में दिन रात लगे हुए हैं, उनको सहयोग करें। तो नवे दिन हमने प्राप्त करी थी कि सहयोग की भावना रखें,
सहयोग भाव सहयोग की भावना रखना है। ये जो है ये 90 दिन हमने कर्मों को काटने के लिए शिक्षा प्राप्त करी थी। और जो शुक्रवार को अभी पिछली गत क्लास हुई थी वो 10वें दिन हमने विपदाओं और चुनौतियों को स्वीकार करने का डटकर सामना करने की शिक्षा प्राप्त करी थी, जिससे कि हम कर्मों को काट सके, विपदाओं और चुनौतियों का डटकर सामना करें। जब हम विपदाओं का, हमारे ऊपर आई समस्याओं का, चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे तो हमारे कर्म जो हैं वो धनाधन टूटते जाएंगे। इस प्रकार से कर्म के स्वरूप को समझ करके गत दिवसों में कर्मों के समूह को तोड़ने के हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गत दिवसों में 10 दिवसों में हमने कुछ ना कुछ कर्मों के स्वरूप को तोड़ने का, कर्मों के समूह को तोड़ने का प्रयास किया और इन शिक्षाओं के माध्यम से उनको जीवन में अपना करके और कर्म समूह को तोड़ने का प्रयास करेंगे। आज 11वां दिन हमारे कर्म प्रकृति में कर्म के स्वरूप को समझने के लिए हमारी जो शक्ति है, जो आत्मा की अनंत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने का प्रयास हमको करना है। आज हमको क्या करना है, आत्मा की शक्ति को पहचानना है, आत्मा की शक्ति को पहचानना है। यह आज के दिन हमको ये लक्ष्य रखना है। जब हम हमारी आत्मा की शक्ति को पहचान जाएंगे तो कर्मों के स्वरूप को तोड़ने में हमको देर नहीं लगेगी। अभी तक कर्म प्रभावी लगते हैं, कर्म ताकतवर लगते हैं, क्योंकि हमने हमारी शक्ति को नहीं जाना है। जब हम हमारी शक्ति को जान जाएंगे, हमारी आत्मा की शक्ति को, परिपूर्ण जो शक्ति है, जो केवल ज्ञान प्राप्त कर सकती है, यथाख्यात चरित्र प्राप्त कर सकती है, लेकिन जब हमारी आत्मा की शक्ति को हम जब तक नहीं जानेंगे, जब तक कर्मों के समूह को तोड़ने वाले हम नहीं बन सकते हैं। इसलिए आज हम शिक्षा प्राप्त करें कि हम आत्मा की शक्ति को पहचाने, जो आत्मा अनंत बलशाली है, अनंत बलशाली होकर के, और हमारी जो है वो केवल कर्मों के समूह जो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, जो तुच्छ है, उनको जरा सी देर में तोड़ने की शक्ति रखती है। लेकिन कब रखती है, जब हम हमारी शक्ति को पहचान लें। जब तक हम हमारी शक्ति को नहीं पहचानते हैं, यहाँ तक कि शक्ति आत्मा की शक्ति को पहचानने की दूर की बात है। हम तो अगर महाराज साहब की सेवा में जाते हैं और महाराज साहब कहते हैं कि तेला करना है, अरे नहीं नहीं महाराज, तेला करना मेरी बस की बात नहीं है। एक सामान्य ऐसी छोटी तपस्या के लिए भी हम पीछे हट जाते हैं। क्यों पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम हमारी शक्ति को नहीं जानते हैं। हम हमारी शक्ति को जब जानने वाले, और यहाँ तक कि कहते हैं कि महिला तो पुरुष से ज्यादा सहन शक्ति और शक्ति वाली होती है, वैसे ही पुरुष में भी शक्ति होती है। शक्ति का प्रतीक वैसे पुरुष भी होता है, लेकिन महिला भी कम शक्तिशाली नहीं होती है। इसलिए अपने आप को कमजोर नहीं माने। कर्मों को तोड़ने में जो है महिला पुरुष से आगे ही बताई गई है। भगवान महावीर के अगर 14,000 साधु थे तो 36,000 साध्वियां थी, 700 केवल ज्ञानी थे तो 1400 स्त्रियां केवल ज्ञानी थी। इसलिए कर्मों के समूह को तोड़ने के लिए महिलाएं ज्यादा हैं। इस कारण से आत्मा की शक्ति को पहचानने में महिलाएं ज्यादा लगी हुई है। लेकिन जब तक हमारा भीतर का जो मन मजबूत नहीं होता है, मन की पावर हमारे पास जो है वो हम पहचान नहीं पाते हैं, जब तक कर्मों को तोड़ने में हम आगे सक्षम नहीं बन पाते हैं। हमारे पास 3 मन होते हैं, ऐसा साइंस बोलती है कि एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। लेकिन हम जो कार्य करते रहते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड से और सब कॉन्शियस माइंड से ही करते रहते हैं। लेकिन जब आत्मा की शक्ति को जानना होता है तो हमको कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन में रहना पड़ता है। जब हम मन को चेतनता के अनुसार रहेंगे, अगर जागृत रहेंगे, तब जाकर हमारी शक्ति का प्रसार होगा, हमारी शक्ति को हम जान पाएंगे। एक व्यक्ति ने बगीचा लगाया और बगीचा लगा करके और पेड़ पौधे फूल पौधे आदि लगा दिए। दूसरे दिन सुबह उठा, उसने देखा कि ये बगीचे के पेड़ पौधे सब उखड़े हुए पड़े हैं। उसको ताज्जुब हुआ कि ये मेरे पेड़ पौधे कल सब मैंने लगाए थे, आज ये उखड़ कैसे गए। उसने पड़ोसी पर शक किया, उसने सोचा आज सोचता हूँ देखता हूँ कि ये पड़ोसियों ने तोड़े होंगे। दूसरे दिन भी प्रयास किया, लेकिन दूसरे दिन वापस जो है पौधे आदि जो है टूटे हुए दिखे। फिर उसने सोचा पड़ोसी तो नहीं हो सकते, क्योंकि पड़ोसियों का व्यवहार अच्छा है। दूसरा, उसने किसी प्रकार से भी पता करने का प्रयास किया, लेकिन उसको ये पता नहीं चला कि रात्रि में मेरे पेड़ पौधों को, मेरे बगीचे को कौन उजाड़ देता है। जब उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया तो बाद में रात को 12 बजे वो खुद उठ करके और खुद ही के नाम से खुद के बगीचे को उजाड़ने का काम कर रहा था।
तो फिर उसने दूसरे सीसीटीवी में देखा कि 12 बजे उठ करके मेरे द्वारा लगाए गए बगीचे को मैं ही उखाड़ रहा हूं, और ये सारा का सारा चित्र सीसीटीवी में आ जाता है। फिर बाद में डॉक्टर से वो सलाह लेता है, तो मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक उसको सलाह देता है कि तुम जो ये कार्य करते हो या अनकॉन्शियस माइंड से करते हो, बेहोशी में करते हो, और बेहोशी में करने के कारण से खुद के द्वारा लगाए गए बगीचे को खुद ही उजाड़ने का कार्य कर रहे हो। हमारी भी स्थिति यही है, हम अनकॉन्शियस माइंड में रहते हुए हमारे द्वारा जो साधनाएं की जाती है उन साधनाओं को भी नीलाम कर देते हैं, लेकिन जब चेतन मन जागृत होता है, जब हम कॉन्शियस माइंड में आते हैं, जब जाकर के हम हमारी आत्मा को प्रकट करने का प्रयास कर सकते हैं, हमारी आत्मा की जो शक्ति है, जो पावर है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारी शक्ति का सदुपयोग, अगर आत्मा की शक्ति का सदुपयोग किया जाएगा, इंद्रियों में लड़ाई हो गई एक बार, श्रोतेंद्रिय कहती है मैं ताकतवर हूं क्योंकि मेरे सुने बगैर किसी प्रकार का कोई ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, चक्षुएंद्रिय कहती है कि मैं ताकतवर हूं, मैं जो रूप दिखाती हूं उससे ही सारा का सारा नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रिय कहती है मेरे बगैर तो कुछ काम चलता ही नहीं है, हाँ अगर समाज में थोड़ी सी भी बात हो जाती तो कहते देखो इसकी नाक कट गई है, रसनेन्द्रिय भी बोलने लग गई मैं खाऊंगी नहीं तो शरीर का क्या हाल होगा, और स्पर्शनेन्द्रिय भी बोलने लग गई सारा का सारा मेरे से ही बना है। लेकिन आत्मा की ताकत को शायद वो नहीं जानती थी, आत्मा अगर शरीर से निकल जाती है तो इंद्रियों का कोई महत्व नहीं रहता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा की ताकत को पहचानना है, इंद्रियों की ताकत का तो बहुत प्रयोग अपन कर ही रहे हैं और बलशाली होने का प्रयास कर रहे हैं, हम शरीर की ताकत दिखाते हैं, लेकिन ध्यान रखना शरीर की कोई विशेष ताकत नहीं है, हमारे शरीर की कोई विशेष ताकत नहीं है, और विशेष अगर आपको ताकत होती तो आज इतने लोग जो कोरोना के पेशेंट होकर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको देख लीजिए, और हमारी भी ताकत की बात करें तो एक छोटा सा मच्छर अगर खा ले अपने को तो 15 आवाज आई है, बराबर बराबर आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, बीच में कोई फोन आ गया था इस कारण से मैंने कहा कहीं आवाज कहीं क्लियर नहीं हो इस कारण से। देखिए ताकत आत्मा की होती है, शरीर की कोई ताकत नहीं होती, आत्मा के कारण शरीर की ताकत कहलाई जाती है, आत्मा के कारण इंद्रियों की ताकत कहलाई जाती है। तो आत्मा की ताकत को, आत्मा की शक्ति को ध्यान रखो, भले तुम्हें बंधे हुए हैं, हम के कारण से फंसे हुए हैं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रख लेना हमारी आत्मा जो है वो उसमें इतनी ताकत है। बीच में फोन आ गया था इसलिए ये ब्रेकिंग हो गई होगी आवाज, इसलिए वापस ध्यान में ले लिए, आत्मा जो है ये अनंत शक्तिवान है, इस शक्ति को प्रकट करने का प्रयास हमको ही करना है, इस बात को आप विशेष ध्यान में ले लीजिए। लेकिन जब तक शक्ति को जानेगा नहीं, जब तक अपन कर्मों को ही हावी मानते रहेंगे और कर्मों के चक्कर में फंस करके अपने आप को कमजोर और ऐसा मजमूम अपना मजदूर टाइप का अपने आप को महसूस करते रहेंगे। बाइबिल में एक कथा आती है जो ईसाइयों का ग्रंथ है बाइबिल, उसमें एक कथा आती है, कबूतरों के अंडे के साथ में एक बार बाज पक्षी का अंडा रख दिया गया और बाद में उन कबूतरों के बच्चे के साथ साथ बाज का पक्षी का बच्चा भी उसमें निकला। बहुत दिनों तक कबूतरों के साथ रहता रहा, बहुत दिनों तक कबूतरों के साथ रहता रहा। एक बार एक बाहर से व्यक्ति आया, वो देखता है कि ये बाज पक्षी जो पक्षियों का राजा कहलाता है ऊंची उड़ान भरने में सक्षम है और ये कबूतरों के साथ रहता है, इसको शायद खुद का भान नहीं है, इस कारण से ये कबूतरों के साथ रह रहा है। और उसने जाकर बाज पक्षी को कहा अरे तू तो बहुत उड़ान रखने वाला है, तू तो राजा है पक्षियों का और तू इन कबूतरों के साथ रह रहा है, क्या तुझे अपनी शक्ति का भान नहीं है? लेकिन वो बाज पक्षी क्योंकि वो शुरू से बचपन से ही कबूतरों के साथ रहा था, ज्यादा ऊंची उड़ान भरने में सक्षम नहीं था, लेकिन उस अजनबी व्यक्ति ने 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक डेली उसको उड़ा उड़ा करके अभ्यास कराया और एक दिन वापस वो स्वतंत्र रूप से आकाश की ऊंची उड़ान भर गया। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने उसकी शक्ति का भान उसे कराया, अभ्यास कराकर उसकी शक्ति को जागृत कराया। वैसे ही हमको भी हमारी शक्ति को जागृत करना है, आत्मा की शक्ति को जागृत करना है, और आत्मा की शक्ति को जागृत कराने में दो लोग बहुत विशेष योगदान देते हैं, दो वस्तुएं बहुत विशेष योगदान देती है हमारी आत्मा की शक्ति को पहचानने में, पहली तो है आगम और दूसरे है अनगार।
हम हमारी शक्ति को पहचान लें तो उसके लिए दो लोग के माध्यम से, दो चीज, दो रास्तों के माध्यम से हम हमारी शक्ति को पहचान सकते हैं, आत्मा की शक्ति को। तो एक तो है आगम, आगम हमको हमारी आत्मा की शक्ति का दिग्दर्शन कराता है, और दूसरे अणगार जो साधु भगवंत हैं वो हमारी आत्मा की शक्ति का हमको दिग्दर्शन कराते हैं। इन दोनों के समीप अगर अपन रहते हैं तो हमें हमारी शक्ति का भान हो जाता है। साधु महाराज भी कई बार बताते हैं कि आप मास कमन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप ये सीख सकते हो। उस समय पर गौरव करें कि महाराज साहब ने हम पे विश्वास किया है, इसका मतलब मैं ये कर सकता हूं। आगम जो है जगह जगह पर बताते हैं, अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा बनने में सक्षम है। ये आत्मा कर्मों का मेल काट करके और सारे के सारे कर्मों को काट करके एक दिन आत्मा परमात्मा बन जाती है। क्योंकि ध्यान रखना, इस आत्मा में केवल कर्म का ही भेद है, अगर कर्म काट दिए जाए तो ये परमात्मा बनने में सक्षम है। कहा भी है, बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है, साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है। तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। तो जीव की ताकत इतनी है, ये प्रकाश पुंज है, एक किरण है जो अंधकार का भेदन कर सकती है। तो ऐसी शक्ति को जागृत करने के लिए आगम और अणगार का सहारा लेवे, हम पहचाने हमारी शक्ति क्या है, हम पहचाने अणगार के माध्यम से, यानी कि साधु भगवंतों के नजदीक रह करके हम हमारी आत्म शक्ति को पहचानने का प्रयास करें, जागृत करने का प्रयास करें। आगम का सहारा लेकर के, आगम के माध्यम से जाने कि किस प्रकार कर्मों को काटा जा सकता है और किस प्रकार भगवान बना जा सकता है। देखिए, आत्मा की शक्ति तो अनंत सब में रही हुई है, लेकिन जागाने का काम कौन करता है? आपको ध्यान होगा रामायण का प्रसंग, हनुमान जी जब सीता का पता लगाने के लिए जब जा रहे थे लंका में, लेकिन बीच में समुद्र के पहले सब हार करके बैठ गए और सबके सब डर के गए कि समुद्र को पार तो करने की ताकत है नहीं। लेकिन जब जामवंत जी ने उनको शक्ति का भान कराया, उनको उपदेश गए थे क्योंकि तुम्हारे पास ऐसी ऐसी विलक्षण शक्तियां रही हुई है, इस प्रकार से जामवंत के जागृत करने पर हनुमान जी को जब शक्तियों का आभास होता है कि मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, और उस शक्तियों का आभास होने के बाद में जब उन्होंने अपनी शक्ति को जाना, पहचाना और ऐसा उस शक्ति का प्रयोग किया, सदुपयोग किया, तो सीता का पता लगा करके वापस किष्किंधा पधारे। तो ध्यान रखिए, शक्ति सब में रही हुई है, आत्मा की शक्ति अनंत है और ये सब में रही हुई है, और सबका प्रयास यही होना चाहिए कि अपनी शक्ति को धीरे धीरे प्रकट करने का प्रयास करें। इस प्रकार से इस कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करें। आपने अनेक एग्जाम्पल सुने होंगे, शक्ति हमारी आत्मा में अनंत है, लेकिन उसको कैसे प्रकट करना है, कैसे धीरे धीरे जागृत करना है, उसका सदुपयोग करना है, अभ्यास पूर्वक आगे बढ़ना है, कैसे 10 या 11 अपन ने माध्यम बताया आपको, उन माध्यमों का प्रयोग करके किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, इसका अपन लक्ष्य रखें। मेघ कुमार का एग्जाम्पल आपने सुना होगा ज्ञाताधम कथांग में, जब सैनिक महाराज का पुत्र मेघ कुमार दीक्षा लेकर के और चला गया, दीक्षा लेकर के भगवान महावीर की शरण में आ गया, और पहले दिन ही रात्रि को विश्राम किया, सबसे छोटे थे इस कारण से गेट के आसपास सोने का उनका मौका लगा, और जब साधु महाराज रात को परखने के लिए जाते हैं तो उनकी ठोकर उसको लगती है, और ठोकरों के कारण से वो क्या करता है, अपनी शक्ति का परिचय को, शक्ति को प्रकट नहीं कर पाता है, और खूब खूब पछताता है कि देखिए ये मैंने कैसी दीक्षा ले ली, राजकुमार हूं, सैनिक का पुत्र हूं और ठोकरे खा रहा हूं, इस प्रकार का सोच करके आज रात्रि निकाल दूं, सुबह भगवान के पास जाकर के वापस घर पे जाने का निर्णय ले लूंगा। केवल एक दिन दीक्षा का पालन किया, एक दिन में ही रात्रि में ठोकरे खाने के कारण से विचार पलट गया, क्योंकि उन्हें खुद की शक्ति का भान नहीं था। जब गए भगवान महावीर के पास कि भगवान मैं तो घर पे वापस जाना चाहता हूं, मुझे दीक्षा नहीं लेनी है, क्योंकि दीक्षा का पालन नहीं करना है, क्योंकि मैं तो देख लिया कल कितनी ठोकरे खाई है दीक्षा में। भगवान उसको उसकी शक्ति का एहसास कराते हैं कि पूर्व भव में एक छोटे से
खरगोश को बचाने के खातिर 3 दिन तक तूने अपने पांव को उठा करके रखा था। इतनी तेरी ताकत है, इतनी तेरी शक्ति है कि उस शक्ति के प्रभाव के कारण से ही तू आज सैनिक महाराजा के घर में राजकुमार के रूप में पैदा हुआ है। जब तूने इस जानवर के बहु में इतनी सहन शक्ति रखी तो आज तू इस बहु में केवल ठोकरों के खाने से ही अपनी सहन शक्ति का जवाब दे रहा है। ऐसा मत कर और संयम में स्थिर बन। मेघ कुमार वापस संयम में स्थिर बने। क्यों बने? क्योंकि एहसास कराया गया उनकी शक्ति का कि पूर्व बहु में जानवर के बहु में भी जब इतनी सहन शक्ति रख सकता हूँ, इतनी शक्ति अपनी प्रकट कर सकता हूँ, तो क्या इस बहु में भगवान महावीर का शिष्य बनकर अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर सकता? भाई इस प्रकार से शक्ति का आभास उनको भगवान महावीर ने कराया और आगे जा करके और वो मेघ कुमार जो है खूब अच्छी साधना करने वाले एक साधक बने। इस प्रकार से आज के दिन कर्म के स्वरूप को समझ करके कर्मों को काटने के लिए हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को पहचानना है, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना है। और इसमें सहायक कौन होते हैं? इसमें सहायक होते हैं आगम और अणगार। आगम का स्वाध्याय करेंगे तो अपनी शक्ति को पहचानने का मौका मिलेगा, और अणगार के समीप रहेंगे यानी साधु भगवंतों के समीप रहेंगे तो भी हमें हमारी शक्ति को पहचानने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। कर्म प्रकृति का थोकड़ा हमारा बराबर चल रहा है और बहुत ही विशेष कर्म चल रहा है। कर्म प्रकृति के थोकड़े में मोहनीय कर्म चल रहा है जो कि हमको भटकाने वाला है, अटकाने वाला है। ये क्या करता है? आपको बताया था शुक्रवार की क्लास में, ये अपनी पहचान नहीं करने देता, ये हमको बेहोश रखता है। और ये क्या करता है? ये हमको अपनी पहचान नहीं करने देता, अपनी पहचान नहीं करने देता। दूसरा क्या करता है ये मोहनीय कर्म? ये मोहनीय कर्म दूसरा विवेक को है, जो हमारा जो विवेक है उसको ये समाप्त कर देता है, विवेक समाप्त कर देता है। तीसरा बताया मोहनीय कर्म क्या करता है? इच्छाओं को अनियंत्रित कर देता है। ये मोहनीय कर्म के मुख्य रूप से ये प्रभाव हम देखते हैं। ये मोहनीय कर्म स्वयं को स्वयं की जानकारी नहीं होने देता, ये विवेक को समाप्त कर देता है और इच्छाओं को अनियंत्रित कर देता है। ऐसा जो मोहनीय कर्म है, हमने मोहनीय कर्म का स्वरूप समझ ही लिया है। इस मोहनीय कर्म को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, वो दो भाग है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। देखिए, ये मोहनीय कर्म ही है जो कि संसार में अटकाने भटकाने वाला मेन काम करता है। तो दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के रूप में दो भागों में मोहनीय कर्म को विभाजित किया जाता है। आप समझ ही गए होंगे, दर्शन मोहनीय का मतलब जो दर्शन पर मोह रखे यानी दर्शन को मोहित कर देवे, दर्शन को जागृत नहीं होने देवे, दर्शन को विकृत ना देवे, ये कहलाता है मोहनीय कर्म। जो हमारे चारित्र को विकृत कर देवे, चारित्र को जागृत नहीं होने देवे, चारित्र को प्रकट नहीं होने देवे, चारित्र में दोष लगाने का प्रयास करे, ऐसा चारित्र मोहनीय कर्म होता है। तो देखिए, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय के रूप में मोहनीय कर्म जो है वो दो प्रकार का होता है। देखिए, चारित्र मोहनीय तो क्या करता है? हमारे आचरण को दूषित करता है। हमारी जो क्रिया होती है, हमारा जो आचरण होता है, हमारी जो चर्या होती है, उस चर्या को क्रिया के दो, चर्या के दो, आचरण के दो, चारित्र के दो, इसको दूषित करने का कार्य कौन करता है? चारित्र मोहनीय कर्म करता है। और जो हमारी दृष्टि होती है, हमारी जो बुद्धि होती है, हमारा जो विवेक होता है, हमारी जो श्रद्धा होती है, इसको विकृत करने का काम करता है दर्शन मोहनीय कर्म। इसलिए ये दोनों कर्म ऐसे हैं जो हमारी श्रद्धा को विकृत कर देता है और ये दूसरा हमारे आचरण को विकृत कर देता है और हमारी बुद्धि को पलट देता है, मतलब विपरीत बुद्धि भर देता है। देव गुरु धर्म पे जो श्रद्धा रखनी चाहिए, उस श्रद्धा के विपरीत हमारे अंदर भावनाएं आ जाती है। ये सब काम करता है दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जब दर्शनावरणीय कर्म का अध्ययन हमने किया था, उसके स्वरूप को समझा था, जब दर्शन के 5 अर्थ आपके सामने रखे थे, उन दर्शन के 5 अर्थों में 5वां अर्थ बताया गया था श्रद्धा। दर्शन का क्या अर्थ बताया गया था? श्रद्धा, आस्था, विश्वास। तो ये जो दर्शन यहाँ पे लिया जाता है, जिस पर कि ये मोहनीय मोह करता है यानी दर्शन पे मोहित हो जाता है, दर्शन को मोहित कर देता है, ये जो दर्शन को मोहित करने वाला है, तो ये दर्शन कौन सा है? ये 5वें अर्थ वाला, श्रद्धा वाला, अर्थ वाला दर्शन है।
दशनावन्य क्रम में तो हमने तीसरे अर्थ वाला दर्शन लिया था, जो वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानने में बाधा पटकता है वो दशनावन्य क्रम होता है। और जो हमारे जो देवगुरु धर्म पर जो श्रद्धा जागृत होती है उस श्रद्धा को जो मोहित कर देता है वो दर्शन मोहनीय क्रम होता है। इसलिए यहाँ पे दर्शन का पांचवे वाला अर्थ हमारे यहाँ पे घटित होता है। इस प्रकार से ये दर्शन मोहनीय हमारी श्रद्धा को विकृत करता है, हमारे विवेक को जागृत नहीं होने देता, हमारी बुद्धि को विपरीत कर देता है और हमारी दृष्टि जो है वो भी भ्रमित कर देता है। इस प्रकार से दर्शन मोहनीय कार्य करता है। चरित्र मोहनीय हमारे आचरण को दूषित करता है, आचरण हमारा पवित्र नहीं होने देता, हमारी क्रिया को दूषित करता रहता है, क्रिया हमारी करने नहीं देता, हमारी चर्या को दूषित करता है, हमारे चरित्र को प्रकट नहीं होने देता है। ये चरित्र मोहनीय का कार्य होता है। तो मूल रूप से मोहनीय कर्म की दो प्रकृतियां की गई है, दर्शन मोहनीय और चरित्र मोहनीय। इन दोनों के स्वरूप को समझने के लिए पहले हम दर्शन मोहनीय की प्रकृतियां समझ लेते हैं। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां बताई गई है, उन तीन प्रकृतियों का स्वरूप को समझने का प्रयास करें, जो कि हमारी दृष्टि को, बुद्धि को, विवेक को, श्रद्धा को भ्रमित कर देती है, विकृत कर देती है। वो कर्म कौन सा होता है? दर्शन मोहनीय कर्म होता है। दर्शन मोहनीय की पहली प्रकृति बताई गई है मिथ्यात्व मोहनीय। इस दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां बताइए। पहली प्रकृति है मिथ्यात्व मोहनीय। मिथ्यात्व मोहनीय से आप समझ जाइए त्व प्रत्यय लगाए मिथ्या भाव इति मिथ्यात्व, जिसके अंदर झूठा भाव रहा हुआ है, विपरीत भाव रहा हुआ है, जो हमारे को विपरीत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है वो मिथ्यात्व मोहनीय। जो हमारे अंदर में गलत धारणाएं बैठी रहती है, जो हमारे अंदर में मिथ्या मान्यताएं बैठी रहती है, उन मिथ्या मान्यताओं को पल्लवित पुष्पित करने का काम करती है मिथ्यात्व मोहनीय। ये देव गुरु धर्म पर श्रद्धा नहीं होने देती है, उल्टा देव गुरु धर्म पर अश्रद्धा करती है, अयथार्थ श्रद्धान करने देती है, ये ऐसी मिथ्यात्व मोहनी रहती है। और ये मिथ्यात्व मोहनी प्रकृति हमको संसार में अटकाने और भटकाने वाली रहती है। ये हमारी दृष्टि का जो दोष है, हमारी जो दृष्टि का दोष मतलब ये मत मानना कि आंखों से कम दिखना, दृष्टि दोष यानी हमारी जो जो देखने का नजरिया है उसका जो दोष है वो मिथ्यात्व मोहनीय कहलाता है। और ये मिथ्यात्व मोहनीय संसार में अटकाने वाला है, भटकाने वाला है। ये मिथ्यात्व मोहनीय जब तक नहीं कटेगा, जब तक हम आत्मा का कल्याण करने में समर्थ नहीं होंगे। इसको प्राप्त इस मिथ्यात्व मोहनीय का उदय वाला पहले गुणस्थान में होता है। हम अभी वर्तमान में अगर श्रावक साविका है तो हम पांचवें गुणस्थान में, और पांचवें गुणस्थान में इसका उदय नहीं होता है, इसका प्रभाव कमजोर हो जाता है पांचवें गुणस्थान में। इस कारण से अभी वर्तमान में आपकी और मेरी अगर कोई मिथ्या मान्यता है तो ध्यान रखना मिथ्यात्व का उदय है। इसलिए मिथ्या मान्यता अगर नहीं है तो ये ध्यान रखना हम पांचवें गुणस्थान में है, क्योंकि मिथ्या मान्यता देव गुरु धर्म पे जो श्रद्धा की जाती है वो मिथ्यात्व मोहनीय के प्रभाव से की जाती है। दूसरी प्रकृति है मिश्र मोहनीय। इस प्रकृति के उदय में जीव जो है वो श्रद्धा धर्म पर रुचि भी नहीं करता है, तो धर्म पर द्वेष भी नहीं करता है। ये जो प्रकृति है, ये मिश्र मोहनीय प्रकृति जो है ये क्या करती है, सारे धर्मों को एक समान मानने का प्रयास करवाती है। जैसे कि हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, सारे धर्म एक समान है। इस प्रकार से इस मिश्र मोहनीय की प्रकृति के उदय में जैन धर्म पे सच्ची श्रद्धा जागृत नहीं होती है। वो जैन धर्म को भी अच्छा मानता है तो मुस्लिम धर्म को भी अच्छा मानता है, हिंदू धर्म को भी अच्छा मानता है तो ईसाई धर्म को भी अच्छा मानता है। उसके यहाँ पर हिंसा अहिंसा का विवेक नहीं रहता उसको, वो तो केवल पंचेंद्रिय की घात करने वाला, बलि चढ़ाने वाला धर्म है, वो भी अच्छा है, और जैन धर्म भी अच्छा है जो सूक्ष्म केंद्रियों की भी रक्षा की बात करता है। ये इसका मान्यता क्या होती है, सर्व धर्म संभाव। वो क्या कहता है, सारे धर्म ही एक समान है। ऐसी मान्यता वाला जो होता है वो मिश्र मोहनीय की प्रकृति का उदय वाला होता है। ये भी मोहनीय के कारण ही उसकी ऐसी स्थिति बनती है। तो ध्यान रख लीजिए, ये मिश्र मोहनीय प्रकृति भी अच्छी नहीं है। ये प्रकृति जो रहती है जब तक उदय में रहती है, तीसरा गुणस्थान से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तीसरे गुणस्थान में इसका उदय आता है, और ये तीसरे गुणस्थान से हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। ये मिथ्यात्व मोहनीय हमको पहले गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ने देती। इस कारण से मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय इनको तिलांजलि दे करके हमको संकेत प्राप्त करने का प्रयास करना है। तीसरी प्रकृति जो होती है दर्शन मोहनीय की, ये तीसरी प्रकृति यह होती है संकित मोहनीय। देखिए कितनी अजीब बात है, एक तरफ तो बता दिया संकित और एक तरफ बता दिया मोहनीय, यानी कि हमारा जो गुण संकित है
जो गुण हमने संकित है, हमने संकित प्राप्त कर ली मिथ्यात्व को छोड़ करके, संकित को तो प्राप्त कर लिया लेकिन अभी उस पर भी मोह लगा हुआ है, जो कि वर्तमान में हम लोगों के उदय में है। वर्तमान में हमको कौन सी प्रकृति उदय में है? संकित मोहनीय। इस कर्म का ही प्रभाव हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारे पास संकित तो है, इस कारण से हम देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा तो करते हैं लेकिन हम थोड़े से कमजोर भी हैं, हमारे भीतर कुछ दोष भी लगे हुए हैं संकित के। ये मोहनीय कर्म जो लगा हुआ है ये हमारे संकित को शुद्ध नहीं होने देता है। ये संकित तो है हमारे पास लेकिन शुद्ध नहीं है, यानी कि हमारे पास सोना तो है पर 22 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना नहीं है, शुद्ध सोना नहीं है, यानी कि शुद्ध संकित हमारे पास नहीं है। शुद्ध संकित कब होगी? जब ये प्रकृति भी खत्म हो जाएगी। अभी तक तो संकित तो है लेकिन शुद्ध संकित नहीं है, 24 कैरेट सोना हमारे पास नहीं है, 22 कैरेट सोना है, क्योंकि संकित पर जो क्या लगा हुआ है, मोहनीय कर्म लगा हुआ है। जब तक ये मोहनीय कर्म संकित पर से नहीं हटेगा तब तक हमको शुद्ध संकित प्राप्त नहीं होगी और हमारी सच्ची श्रद्धा देव गुरु धर्म पर नहीं हो पाएगी। अभी भी श्रद्धा तो है, संकित मोहनीय का उदय रहता है तब भी श्रद्धा होती है लेकिन थोड़ी सी उसमें कचावट रह जाती है, वो कचावट मोहनीय कर्म के कारण से रह जाती है। वो कचावट क्या होती है? तो तीन दोष बताते हैं, चल, मल और अगाड़। ये तीन दोष हमारी संकित में रहते हैं, हमारी संकित में तीन दोष रहते हैं, इसके कारण से हमारी शुद्ध संकित नहीं हो पाती है। कौन कौन से दोष? चल दोष होता है, यानी कि चलाए मान रहती है हमारी संकित। आपने देखा होगा समुद्र के किनारे जो लहरें आती हैं, वो लहरें इस प्रकार से आती हैं, इस प्रकार से लहरें आती, वैसे हमारी संकित भी ऊंची नीची होती रहती है। किसके कारण से? मोहनीय कर्म के कारण से। इसको कहते हैं चल दोष। हमारी संकित जब कभी गुरु भगवंतों के समीप रहते हैं तो गुरु भगवंतों के समीप रहकर बहुत ज्यादा अपने को श्रद्धा जागृत हो जाती है, उस समय तो अपनी संकित के परिणाम बहुत अच्छे हो जाते हैं और ये मोहनीय कर्म कमजोर हो जाता है। लेकिन जब हम घूमने फिरने जाते हैं और यहाँ तक कि हम ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पर हमको धर्म याद नहीं रहता है, उस समय पर हमारी संकित के परिणाम गिर जाते हैं और हमारे पर ये जो दोष है वो हावी हो जाता है मोहनीय कर्म के कारण से। कभी कोई बड़ा कष्ट आ जावे तो बालाजी, भैरू जी आदि जो भी कोई मंदिर है, कोई मान्यता है, वहां जाकर के ढोकने का प्रयास कर लेते हैं। ये क्या होता है? ये चल दोष होता है कि चल दोष के कारण से हम जो है हमारी संकित में स्थिर नहीं रह पाते हैं। इस कारण से ये किसके कारण से लगता है चल दोष? मोहनीय कर्म के कारण से। ठीक है सर, ये जो हमारी आपने देखा होगा लहरें जो होती है ऊंची नीची इस प्रकार की होती है, वैसे हमारी संकित भी कभी ऊंचे परिणामों को प्राप्त करती है, कभी नीचे गिर जाती है, कभी ऊंचे परिणामों को प्राप्त करती है, कभी नीचे गिर जाती है। ऐसी जो दोष रहता है हमारी संकित में वो चल दोष कहलाता है। मल दोष क्या होता है? जो कि आपको बताया गया हमारे भीतर जो संकित रूपी गुण है उसमें कुछ ना कुछ मेल रहा हुआ है। वो मेल किसके कारण रहा हुआ है? तो मोहनीय कर्म के कारण से रहा हुआ है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दिया कि सोना जो है वो 22 कैरेट सोना है, उसमें कुछ ना कुछ अभी तक मिला हुआ है। अगर 24 कैरेट हो जाता तो फिर ये हमको मोहनीय कर्म हट जाता और हमको शायिक संकित प्राप्त हो सकती थी, लेकिन अभी हमको कौन सी संयोगसम संकित प्राप्त है? हमारे संकित पर मोह लगा हुआ है, ये मल दोष है। ये मल दोष क्या करता है? मोहने के कारण से हमारे संकित में कुछ ना कुछ कमी रखने देता है। इसके कारण से कई बार आपने देखा होगा संकित तो है लेकिन जब गुरु भगवंतों के सामने जाते हैं, सब कुछ करते हैं लेकिन कुछ ना कुछ दोष रहता है। कोई पूजा आदि करते रहते हैं, कोई आडंबर करते रहते हैं, जगराते आदि कराते रहते हैं, मंदिरों की सेवा आदि करते रहते हैं, पूजा आदि करते रहते हैं, अनेक प्रकार की दूसरी चीजों में भी धर्म मानने लग जाते हैं, वो मल दोष होता है। कई लोग बोलते हैं शांतिनाथ जी साधा करने में सक्षम है, जबकि हम जानते हैं कि हमारे भगवान राग द्वेष के विजेता होते हैं, भगवान राग द्वेष के विजेता होते हैं, भगवान कभी भी किसी को सुखी या दुखी नहीं करते हैं। अगर भगवान अगर सुखी दुखी करते तो फिर उनमें राग द्वेष की मानना पड़ता हमको, लेकिन राग द्वेष हम मान नहीं सकते क्योंकि हम तो किसके उपासक हैं? जिनके उपासक हैं, और जिनके उपासक होने के कारण हम जैन कहलाते हैं, और जिन किसको कहते हैं जो राग द्वेष के विजेता होते हैं। तो भगवान न तो किसी पर राग करते हैं और न किसी पर द्वेष करते हैं, इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि शांतिनाथ भगवान साता देने में सक्षम है और पार्श्वनाथ भगवान जो है परिचय देने में सक्षम है। इस प्रकार से भले वो मान्यता उनकी स्तुति करने से हमारे कर्मों की निद्रा होती है, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी स्तुति करेंगे, उनकी अगर उनकी जो स्तुति आदि करेंगे, उनके गुणों को अपनाने का प्रयास करेंगे तो जरूर हमें वो गुण आएंगे और जरूर हमारे कर्मों का निद्रा होगी, क्योंकि भगवान की प्रभु की भक्ति करने से कर्मों की निद्रा होती है। लोगस्थ के पास से हम अगर कीर्तन करते हैं तो हम कहते ही हैं कि कर्मों की निद्रा हमारे होती है, लेकिन
ये जरूर ध्यान रखना, भगवान कुछ देते नहीं है, हमारे कर्मों के कारण से, भगवान की स्तुति के कारण से ही हमारे कर्मों की निद्रा हो जाती है ऐसे। लेकिन जो मान्यता रहती है कि शांतिनाथ भगवान साता देने में सक्षम है, इस प्रकार से ऐसी मान्यताएं आदि जो रहती है वो कहलाती है मल दोष। एक अगाढ़ दोष होता है तीसरा। अगाढ़ का मतलब जो स्थिर नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा, जैसे बुजुर्ग की लकड़ी जो होती है, बुजुर्ग की लकड़ी स्थिर नहीं रहती है, हिलती रहती है, वैसे ही हमारी श्रद्धा भी हिलती रहती है, स्थिर दृढ़ नहीं रहती है, मजबूत श्रद्धा नहीं रहती है, इसके कारण से थोड़ा सा भी कष्ट आता है तो हम डिग जाते हैं। इस प्रकार से ये चल मल अगाढ़ जो दोष है, वो चल मल अगाढ़ दोष हमको हमारी संकेत को शुद्ध नहीं होने देते हैं, हमको शुद्ध संकेत का प्राप्त नहीं होने देते हैं। लेकिन जब जीव जागृत होता है, जब जीव अपने आत्मा की शक्ति को पहचानता है, जब जीव पुण्यवाणी पर भरोसा करता है, अपने पुण्यवाणी को बढ़ाने का काम करता है, जब उपादान पर दोष सारा सारा का सारा घटनाओं का दोष उपादान पर देता है, जब मनमाने सिद्धांत नहीं बनाता, भगवान महावीर के सिद्धांतों का पालन करता है, बाहर नहीं भटकता भीतर में आता है, तब वो क्या करता है, इस मोहनीय कर्म को काट करके भी शुद्ध संकेत को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से ये दर्शन मोहनी की जो प्रकृतियां हैं, ये दर्शन मोहनी है जो हमारी मति को भ्रमित कर देता है, हमारी बुद्धि को विकृत विकृत बना देता है, हमारी दृष्टि को विपरीत कर देता है। ऐसा जो दर्शन मोहनीय कर्म है उसकी ये तीन प्रकृतियां होती है। वर्तमान में हमको ये तीसरी प्रकृति का उदय है जिसमें चलमल अगाढ़ दोष रहे हुए हैं। इन चलमल अगाढ़ दोष को काट करके हटा करके हमको शुद्ध संकेत प्राप्त करनी है, जिसको कि शायिक संकेत प्राप्त कहते हैं। वो शायिक संकेत का प्राप्त होती है कि ये पूरा का पूरे तीनों प्रकृतियां खत्म हमारे आत्मा पे से हो जाती है। इन तीनों प्रकृतियों को जब हम खत्म कर देंगे तो हमको शायिक संकेत प्राप्त हो जाएगी। उस शायिक संकेत की प्राप्त करने के लिए हमको पहले इस मोहनीय कर्म जो लगा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में अगर हमारी मान्यता विपरीत है, हम देव गुरु और धर्म पर श्रद्धा नहीं कर रहे हैं और कुदेव कुगुरु कुधर्म पर श्रद्धा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर मिथ्यात्व मोहनीय का उदय है। और अगर हम सब धर्मों को एक समान मान रहे हैं, धर्म पर राग भी नहीं कर रहे हैं और धर्म पर द्वेष भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारे मिश्र मोहनीय का उदय तीसरे गुण स्थान में है। और यदि हम संकेत का आचरण करते हुए देव गुरु धर्म पे श्रद्धा तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें कचावट रही हुई है, तो हमारे संकेत मोहनीय का उदय हम तो अपेक्षा करते हैं, आप और हम, हमारे सबकी यही संकेत मोहनीय का उदय, थोड़ा बहुत दोष रहे हुए इन दोषों को भी निकाल करके और शुद्ध संकेत प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ये दर्शन मोहनीय का स्वरूप बताया गया है, तीन प्रकृतियां बताई गई है। अब चारित्र मोहनीय के दो भेद करते हैं। तीन प्रकृतियां दर्शन मोहनीय की हो गई। अभी चारित्र मोहनीय जो हमारे आचरण को दूषित करता है, हमारे क्रिया को विपरीत कर देता है, हमारी चर्या जो है उसको विकृत कर देता है, हमारे चारित्र को नहीं आने देता है, ऐसा जो चारित्र मोहनीय कर्म है इसकी 25 प्रकृतियां बताई गई है। इन 25 के भी दो भेद करते हैं। चारित्र मोहनीय में कषाय मोहनीय, नो कषाय मोहनीय। चारित्र मोहनीय की जो प्रकृतियां हैं वो 25 प्रकृतियां हैं। दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृतियां तो हमने समझ ही ली है, दर्शन मोहनीय की तीन, चारित्र मोहनीय के 25, ऐसे मोहनीय कर्म के 28 प्रकृतियां होती हैं जिनको की काट करके हमको वीतराग दशा प्राप्त करनी होती है। तो हम दूसरा जो भेद इसका बताया है चारित्र मोहनीय, इसको समझने का प्रयास करें। ये चारित्र मोहनीय हमारे आचरण को भ्रष्ट बनाता है, हमारी श्रद्धा हमारी चर्या है उसको विकृत बनाता है, हमारी जो क्रिया है उसको भी विपरीत बनाता है। ऐसा जो चारित्र मोहनीय कर्म है इसके दो पार्ट किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है कषाय मोहनीय, और कषाय से तो आप परिचित हैं, इस कषाय ने तो हमको संसार में भटका रखा है, कषाय मोहनीय। और दूसरा है नो कषाय मोहनीय, ठीक है सर। ये कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ऐसे दो पार्ट है। इन दो भागों में चैत्र मोहनीय की प्रकृतियों का विवेचन किया जाता है। देखिए कषाय मोहनीय की 16 प्रकृतियां हैं और नो कषाय मोहनीय की 9 प्रकृतियां हैं। ऐसे 16 और 9 25 प्रकृतियां चैत्र मोहनीय की होती है, और 9 तीन प्रकृतियां अपने दर्शन मोहनीय की कर ही ली है। इन 25 प्रकृतियों की क्या परिभाषा है, इनका क्या स्वरूप है, समय के साथ अपन कल रखने का प्रयास करेंगे। कल क्लास वही 4 से 5 रखी गई है ज्योति मंडल की तरफ से, तो इस प्रकार से इन 25 प्रकृतियों को समझेंगे, हमारे चैत्र मोहनीय कर्म को काटेंगे, हमारे आचरण को शुद्ध बनाएंगे, ऐसा प्रयास हम कल समय के साथ रखेंगे। अभी जिन किसी के प्रश्न हो उन प्रश्नों का रखने का प्रयास रखें। आज के दिन हमने कर्म स्वरूप को समझ करके कर्मों को तोड़ने के लिए अपनी भीतर रही हुई आत्मा की शक्ति को पहचानने की एक शिक्षा प्राप्त करिए। हम हमारी शक्ति को पहचाने और इन कर्मों को तोड़ने का प्रयास करें। अब जिन किसी के प्रश्न हो वो प्रश्न रखने का प्रयास करें, हैंड राइज कर दें ताकि उनको अनम्यूट करके और प्रश्न रखा जा सके।
सर चैट बॉक्स पे क्वेश्चन है डिंपल जैन जी का, अगर फिर से समझा दें। हाँ देखिए, चल मल और अगार दोष होता है। अगार का मतलब जो स्थिर नहीं होता है, बुजुर्ग की लाठी होती है वो लाठी हिलती रहती है क्योंकि बुजुर्ग में इतनी ताकत नहीं होती हाथ में, तो उसकी लाठी जो रहे वो यूं हिलती रहती है। वैसे ही हमारी समकित भी दृढ़ नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है। अगर दृढ़ और स्थिर होती तो मौन कर्म का प्रभाव नहीं होता, लेकिन मौन कर्म के प्रभाव के खातिर हमारी जो लकड़ी है, यानी कि जैसे बुजुर्ग की लकड़ी हिलती रहती है वैसे हमारी समकित भी हिलती रहती है। छोटे मोटे कष्टों में हम डिग जाते हैं और बालाजी भैरू जी आदि को मानने लग जाते हैं, ऐसी ऐसी कुछ कुछ मान्यता लेकर के आ जाते हैं। भाई अष्टमी को दीपक करना चाहिए, दिवाली को दीपक करना चाहिए, ऐसी कुछ मान्यताएं जो है वो हमारे अंदर जमा दी जाती है। इसके कारण से हमारी संकेत शुद्ध नहीं रह पाती है, वो संकेत में दोष लगाने वाली बनती है। तो हमारी संकेत जो है वो जो हिलती रहती है, ऐसी संकेत जो है वो अगाढ़ दोष से संपत्त होती है। वो अगाढ़ दोष मौन कर्म के कारण से होता है, यानी जैसे बुजुर्ग की लकड़ी हिलती रहती है वैसे ही हमारी संकेत भी स्थिर नहीं रह पाती है, दृढ़ नहीं रह पाती है, जिसका कारण है मौन कर्म। हनुमान जी प्रसाद जी जैन आपको अनम्यूट कर दिया है। मंगला जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जय जिनेंद्र तिलोक जी। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र तिलोक जी, आवाज आ रही है? जय जिनेंद्र। हाँ आवाज आ रही है। अच्छा हाँ, मैं पूछ, ये मेरा एक प्रश्न था। तो ये अभी आपने सारांश में बताया ना 11 दिन का, उसका एक एक शब्दों के अंदर, एक ही शब्द के अंदर 11 मतलब जो क्या शिक्षा मिली, तो एक बार दोबारा मतलब बताओ। वो आप रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी बताऊंगा तो क्वेश्चन में, क्योंकि रिकॉर्डिंग में पूरे के पूरे 11 के 11 बता दिए मैंने। जैसे पहले दिन तो सोई हुई आत्मा को जगाने की बात की है, दूसरे दिन हमने पुण्यवानी को बढ़ाने की बात की है, तो पूरे रिकॉर्डिंग देख लोगे तो पूरे 11 की 11 शिक्षा मैंने स्टार्टिंग में बोर्ड पर लिख करके भी बताई थी, तो पूरी की पूरी ध्यान में आ जाएगी। मैं थोड़ा लेट आया इसमें, लेट लगा, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लेना। आपका ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया है, अच्छा लगा। मंगला जी आप क्वेश्चन पूछे। जय जिनेंद्र सर, प्रणाम। जय जिनेंद्र साहब। हाँ प्रणाम सर। वो आपने चारित्र मोहनी की तीन प्रकृतियां बताई ना, फिर कषाय मोहनी और नो कषाय मोहनी। चारित्र मोहनी की मैंने तीन प्रकृतियां नहीं बताई है, चारित्र मोहनी तो लिखी रहा है अभी, तो चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां हैं, कषाय मोहनी, नो कषाय मोहनी। कषाय मोहनी की 16 है और नो कषाय मोहनी की 9 है, ऐसे यानी दो भेद है चारित्र मोहनी के। चारित्र मोहनी के दो भेद हैं, दर्शन पहले तो मोहन कर्म के दो भेद बताए, मोहन कर्म के दो भेद बताए, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। पहले दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां अपन ने बताई दी है, अब बची 25 प्रकृतियां, तो वो जो है वो 25 प्रकृतियां चारित्र मोहनी की। चारित्र मोहनी के दो भेद कर दिए, कषाय मोहनी और नौ कषाय मोहनी। अब 16 और 9 प्रकृतियों को अपन कल प्रयास करेंगे। दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियां है ना, मिश्र मोहनी, मिश्र मोहनी और समकित मोहनी। बिल्कुल बिल्कुल, वही अपन ने आज समझाने का प्रयास किया था। हाँ जी, धन्यवाद सर, बहुत बहुत अच्छा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद युति मंडल को और आपको, बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही। सीमा जी आप अनम्यूट हैं, आप क्वेश्चन पूछें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। मैं पूछ रही थी कि समकित का कैसे पता चले कि अपन अभी समकित में है या नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पे एक 25 बोल के बाद में एक व्यवहार समकित का थोकड़ा चलता है, जो व्यवहार संकित के 67 बोल उसमें बताए हुए हैं। उसमें बताए हुए, हाँ बस, तो 67 बोल में बताया गया है कैसे हमको पता चले। तो वहां बताया हमारी समता भाव कैसा है, उसके लक्षण बताए सम संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था। जिस भी जीव में सम संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था के लक्षण दिखाई देते हैं वो जीव सम्यक्त्वी होता है। ध्यान रखना, सम्यक्त्वी जो है उसके अंदर में धर्म के प्रति प्रीति रहती है, वो अधर्म से पाप के कार्यों से बचने का प्रयास करता रहता है। क्योंकि ध्यान रखना इस बात का, संकिति कौन होता है, जैसे अंदर में अगर उसके संकित होता है तो भीतर में उसके लक्षण अपने आप दिखाई देते हैं। आप जानते हैं अगर घड़े में पानी भरा है तो बाहर से उसमें नमी रहती है, अगर धरती में पानी है तो उसके ऊपर हरियाली रहती है, वैसे हमारे भीतर में संकित है तो उसकी जो लक्षणा है हमारे ऊपर में दिखाई देगी, धर्म के प्रति रुचि रहेगी, गुरु भगवंत के प्रति हमारी श्रद्धा रहेगी। ये जो कार्य होते हैं ये सब क्या करते हैं, संकित के ही परिणाम है। मतलब एक एहसास मान सकते हैं अपने पास में अपन की है ऐसा। हाँ, अपनी गुरु भगवंतों के प्रति श्रद्धा, अर्यंत सिद्ध के प्रति श्रद्धा और अपने धर्म क्रिया के प्रति जो रुचि होती है उसके अनुसार सम संवेग निर्वेद अनुकंपा और आस्था, ये 5 लक्षण समकिति के बताए हैं। इन समकिति के लक्षणों को अपने ऊपर घटित करके हम जान सकते हैं कि वर्तमान में हमें समकित है या नहीं है। समकित आती और जाती रहती है क्या?
हाँ, अगर मान लीजिए देखिए आती जाती तो ऐसे तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि आई और गई चली गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनमोल रत्न प्राप्त किया जाता है, संकित अनमोल रत्न कहा जाता है, तो अनमोल रत्न जो प्राप्त किया जाता है ना उसको बहुत सुरक्षित रखा जाता है। जैसे मान के चलिए आप बाजार में बिजनेस करते हैं और आपने बहुत मेहनत करके 1 करोड़ रुपए का डायमंड खरीदा, तो उस डायमंड को आप इधर उधर नहीं रखेंगे, आप उसको क्या करेंगे, बढ़िया तिजोरी में संभाल के रखेंगे। जब हमको संकित प्राप्त हो जाती है, समझ प्राप्त हो जाती है, सही सम्यक सम्यक समझ प्राप्त हो जाती है, देवगुरु धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हो जाती है, तो इतनी जल्दी नहीं जाती है। लेकिन अगर संगति खराब हो और अगर कुशास्त्रों का सेवन करने को मिल जावे या फिर हमारे कोई विशिष्ट अशुभ कर्म उदय में आ जावे तो वापस भी जा सकती है। तो ऐसे जाने में कोई विशेष बात नहीं है, पर इतनी जल्दी नहीं जाती है। अगर हम मजबूत रहे, हम बराबर साधना में दृढ़ रहे, गुरु भगवंतों के नजदीक रहे, आगम का स्वाध्याय करते रहे, तो संकित वापस नहीं जाती है। और जैसे बच्चे मेरे पूछते हैं कि जैसे रात का पानी मटकी में है तो मैं सुबह छान के कहती हूँ छान के पियो, या मतलब अभी नहीं छनी मटकी, जितने पहले पी रहे हो तो छान के पी लो, तो ये कहते हैं मम्मी छानने से क्या हुआ, छनी हुई है वो रात की, और ये पानी छाना उसके ऊपर के जीव आए और जीव कहाँ गए। देखिए बच्चे हैं, बच्चे प्रश्न पूछेंगे, लेकिन उनको कुछ बातें ऐसे बोलना, बेटा कुछ बातें ऐसी रहती है जो बुद्धि से समझ में नहीं आती है, वो भगवान की सिद्धांतों का ही हमको अनुपालन करना पड़ता है। और हमारे जैन धर्म में कहा है कि अनछाना पानी नहीं पीना। मैं आपको बताऊं, हमारे जयपुर के बहुत बड़े जो है बिजनेस वाले हैं, हमारे नवरतन मलसा कोठारी जो कोठारी ग्रुप के हैं, तो वो उनको भी बचपन में आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब ने अनछाना पानी पीने का त्याग करवाया कि भाई तेरा बड़ा बिजनेस है, विदेशों में अनेक जगह पर उनके ऑफिस हैं, उनको अधिकांश विदेशों में रहना पड़ता है, लेकिन उन्होंने आचार्य अस्थिमल जी महाराज साहब के द्वारा जो नियम लिया उसको ऐसा पालन किया कि स्कूल में भी जाते तो भी शर्ट के कपड़े से पहले छान करके पानी पीना पड़े, लेकिन वो पानी छान करके पीते थे। तो हमारे जैनों की पहचान भी है, हम जैनों के लिए कहते भी हैं और हमारी बुद्धि के हिसाब से भी कहते हैं कि पानी पीना छान कर और गुरु करना जान कर, बोलते हैं गुरु बनाना है तो अच्छी तरह जान करके करें। नहीं बच्चों को तो क्या, धीरे धीरे आप उसका सेवन करेंगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं है। बच्चों को तो यही अनछाना पानी अगर पीते हैं तो उसमें विशेष प्रकार की दोष की संभावना रहती है, इस प्रकार कई सूक्ष्म जीव रहते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। और आज तो उन बच्चों को भी इस बात का प्रत्यक्ष में उदाहरण मिल ही जाता है, कई किताबों में इनमें ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते, उन जीवों की बात भी कह सकते हैं, और साइंस की दृष्टि से भी इस पानी जो है छान करके ही पीना चाहिए। और धीरे धीरे चलनी पे आए उन जीवों को क्या हुआ, ऐसे पूछते हैं, उनको तो छोड़ देते ना अपन को, इनको उनके पानी में जो बाकी जो रहता है उसमें छोड़ देते हैं। हाँ मैंने कहा अगर नाली में भी पानी गया तो नाली में भी पानी के जीव है तो उसमें चला जाएगा, बस और क्या है वो। पर वो बोले चलनी पे कब तक, मतलब सूख जाता है चलनी का पानी तो क्या खत्म हो जाते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बड़े हैं बच्चे जैसे। कोई बात नहीं, गुरु भगवंतों से उनका सानिध्य करावे और गुरु भगवंत उनको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे। प्रमोद मुनि जी महाराज के सानिध्य में भी मतलब अच्छा है उसका। देखिए एक बात और ध्यान रखना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैन दर्शन में जो हमको तर्क से नहीं समझ में आते हैं, कि जैसे आज वर्तमान में आज से अगर 100 साल पहले कोई कहते हैं कि पानी में भी कोई जीव होते हैं तो कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन साइंटिस्ट ने अगर उसको सिद्ध कर दिया तो आज विश्वास करते हैं। तो कुछ बच्चों को ये भी ध्यान रखे, जैन दर्शन में श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है, तर्क जब तक समझ में आता है जब तक तो तर्क करें, बाकी भगवान महावीर की वाणी का भी विश्वास करें। भगवान महावीर की वाणी का विश्वास करके जैसे पानी में आज वैज्ञानिकों ने जीव सिद्ध कर दिए हैं, पृथ्वी में सिद्ध कर दिए हैं और वनस्पति में सिद्ध कर दिए हैं, वैसे ही आने वाले टाइम में तेवकाय और वायुकाय में भी वैज्ञानिक जो है वो जीव सिद्ध कर देंगे। नहीं जीव तो है पता है, लेकिन बस वही समझा नहीं पा रही हूँ मैं कि वो छानते तो ऊपर के पानी का क्या और उन जीवों का क्या होता है, ऐसा मतलब। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि छानने पे जीव ही रहे उसमें पानी में, छानने से ऐसा मतलब नहीं है कि पानी को छानने से उसमें जीव निकल जाते हैं, ऐसी कोई धारणा भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जीव नहीं हो तो भी हमारा नियम होता है पानी छान करके पीना, ये नहीं माने कि पानी छानने से पानी के वो जीव चलनी में आ जाते हैं, ऐसा नहीं माने कभी भी। जीव हो या नहीं हो नियम है, ये जैनों की ये पहचान है कि रात्रि भोजन त्याग और अनछाना पानी, रात्रि भोजन नहीं करना और अनछाना पानी नहीं पीना, ये जैनों की पहचान है। जय जिनेंद्र सर। हाँ मैडम, कमिंग संडे को धोवन पानी पे एक बहुत बड़े जैन साइंटिस्ट सेशन लेंगे, आपके जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप उस सेशन में जरूर पूछने का अवसर बनाएं। देखिए हमारे साइंटिस्ट जो है जीव राज्य जैन, जिन्होंने की धोवन पानी के ऊपर लगभग 250-300 पेज
की किताब लिखी हुई है और साइंटिफिक तरीके से दोवन पानी को सिद्ध किया है कि किस प्रकार वो सभी तरीके से उपयोगी है। उनका सेशन युति मंडल के द्वारा अगले संडे को रखा गया है, उसको जरूर अटेंड करें ताकि आपके अनेक शंकाओं का समाधान भी उससे हो जाएगा। अब रमेश कुमार कंकानिया जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए क्योंकि जूम 3 बजे ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए और नेक्स्ट सेशन में जरूर पूछ ले गए। रमेश कुमार कंकानिया जी। जय जिनेन्द्र साहब गुरु जी। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ मैं चेन्नई से हूँ। मैं आपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड 3 उदाहरण दिए थे आपने, इसमें कॉन्शियस का दिया था और अनकॉन्शियस माइंड का दिया था आपने। अनकॉन्शियस माइंड भी तोड़ देता है तो ये कहीं स्थानागति है क्या इसमें? देखिए ये साइंस में बताते हैं, ये साइंटिस्ट जो होते हैं मनोचिकित्सक जो होते हैं इसकी बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन होता है और सब कॉन्शियस यानी अवचेतन मन होता है और अनकॉन्शियस जो होता है उसका मतलब होता है बेहोश मन। जैसे हम बिल्कुल बेहोशी में जो रहते हैं वो अनकॉन्शियस माइंड होता है और सब कॉन्शियस माइंड होता है अवचेतन मन। यानी कि कई बार हमारे आंखों से हम जा रहे हैं, हमारे सामने कोई वस्तु भी आई हुई है, पर जब हम अनकॉन्शियस माइंड में रहते हैं तो उस समय उसका हमको आभास नहीं होता है और चेतन मन होता है वो जागृत मन जिसको अपन कह सकते हैं। इस प्रकार से मनोचिकित्सक इन 3 मनों की बात बताते हैं। आपने वो भजन आपने लिया था आपने बंधन बंधन क्या करते, एक बार रिपीट कर दीजिए आप। हाँ बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है, साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है, तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। बहुत बड़ी कविता है उपाध्याय अमर मुनि की, इसमें से मैंने तो 2 ही अंतरे लिए हैं। जय जिनेन्द्र साहब। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। जो कुछ आपको समझ में आया वो आपका शरीर सम अच्छा था, जो आपको समझ में नहीं आया मैं नहीं समझा पाया उसके लिए हार्दिक क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र साहब। सबको सादर जय जिनेन्द्र।